ਐ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਦੀ ਪੇਂਟ ਲੈ ਪੇਂਟ ਲੈ ਪੇਂਟ ਲੈ ਪੇਂਟ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੇਂਟ ਹੁਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਆਈ ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਨੇ ਲੱਗੀ ਅੰਮੀ ਕੋ ਹੈਲੋ ਕਿਆ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਜੈਸਾ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾ ਮਾਰ ਡਾਲਾ ਹਾਏ ਮਾਰ ਡਾਲਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ अच्छा बड़े लोगों को मसला आजकल ये मेरा AGOG मैं जो स्टार्ट करता हूँ क्या करूं? क्या करूं आपने लोगों को मसला करवा दिया अब मैं अपनी इंट्रो चेंज कर लूं लोगों ने केड़ा सानू पैसे देने ने साड़ी मर्जी असी जो मर्जी करिए किसी दी जान है कि तुझे कोई कह जाए मैं खुद जो मर्जी कह लूं लेकिन मैं किसी को नहीं कहने देती मैं ऐसे कर देती हूँ ऐसे कर देती हूँ वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग क्या हाल है आप सबका ठीक है खैरियत से हैं खुश हैं आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा हो अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो मसाज कर रहे थे बड़ी देर से ज़रा पकड़े ज़रा मैं मसाज कंटिन्यू करूं तो बाकी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हम ब्लॉग लगाएं आपको क्या आ जाए नोटिफिकेशन इतनी देर इतना देर लगा के ना करना जल्दी जल्दी कर लें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी हमने ब्लॉग लगा दिए मजे मजे के फैमिली के ब्लॉग्स आते हैं तो क्या करना है सब्सक्राइब करो चैनल को क्यों नहीं करते हैं क्या मतलब कोई कान से खराबी है सुना नहीं जाता क्या बात है अंकल तो एयरपोर्ट पे भी जो मिलती हाँ, जो कहेंगे मुझे दो बेटे मिले थे दम्मी के फैन है जेबी के फैन है कह रहे सब्सक्राइब करो ये मेरी वीडियो बना रहा था वो दो बेटे आए प्यारे से तो वो मिले तो मैंने उन्हें साथ ही पूछा मैं कह ये चैनल सब्सक्राइब किया वो कहते हैं टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ है अंकल मैं कहा यूट्यूब पे भी करो ये भी आवाज को क्या है अंकल अरे अंकल की आवाज को आज क्या हो गया ओए जरा सुर पक्के हो रहे हैं ना अभी ओए आजता ओए इधर दर्द है ओ एक तो आपका मसाज कर रहे हैं मसाज मगरू लांदा दवाई मसाज करें तो दवा दें ना ओए इधर नहीं इधर इधर नाजुक मसल्स होते हैं पागल डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर भूख लग जाएगी और अभी पराठे का नाश्ता कर अच्छा गाइस एक मिनट अभी हमने वजन किया था पर मशीन अभी इधर ही पड़ी है उठो उठो नहीं नहीं बस नहीं 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 अबे कर दिया नहीं नहीं अबे जुबानी बता दे नहीं अभी उठा नहीं जा रहा कुर्सी ना तोड़ देना दोनों बाप बेटे उठो ये जरा मशीन पे करें तो भाई अब देखो वजन 101.8 मतलब 102 किलो एक हफ्ते में 5 किलो ये वजन बढ़ा के आए हैं कोई रनिंग मैं उस दिन कहा था किसी ने माना नहीं था सब बच्चों ने कहा नहीं नहीं अंकल का टेस्ट करवाओ ये करो तो एक बच्ची ने कहा आंटी जो घर नहीं थी इसलिए खिदमत नहीं हुई वो सही थी ऑपोजिट चल रहे हैं मेरा 5 किलो कम हुआ है जेबी का 5 किलो बढ़ गया मैंने किया पर जेबी ने पराठे नहीं खाए जेबी ने सब कुछ छोड़ नहीं खाई ऐसी सुबह मैं इंग्लैंड से वापस आया हूं मेरी पसंद की सारी सब्जियां बना रही है तो कंट्रोल भिंडियां बनाई हैं करेले बनाए हैं तो फिर मैं क्या करूं चिकन बनाया जेबी को पसंद है कल जल फ्रेजी बनाया वो पसंद है कंट्रोल करके बना था फिर कैसे छोड़े बंदा नहीं तो जेबी भी खा रहा है ना आज भी जो चिकन जल फ्रेजी बनाई है ना मैं कहता हूं कि बस तो सारे ही खाते हैं ना लिमिट में खाए ना कमाल अब उसका ये मतलब नहीं कि आप ज्यादा पराठे इसकी रेसिपी है तुम्हारे चैनल पे हां सब रेसिपी वो जाओ चैनल सब्सक्राइब करो सारी मेरी बेटियां ठीक है सुनने वाली मेरी बहनें और वो जो ये वाइट चिकन और वो चिकन जल फ्रेजी की रेसिपी निकाल के बना के इनको मैसेज करो कि हमने बनाई और मैं कहता हूं कि कमाल वो गाइस गर्मी में कोई नहीं बनाता आज ये पता क्यों कह रहे हैं कुछ और खाने की फरमाइश करनी है आज आज नहीं आज बेटी क्या 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 बनवाना है आज बताएं बताएं खीर ही बना दो खीर बनी फ्रिज में पड़ी अच्छा, रात को नहीं खाई थी बताया क्यों नहीं अच्छा रात को किसने खाई थी यार रात गुजर गई अब रात को खाई थी और मीठा कोई भी बना लो मेरे चारों बच्चे नहीं खाते मैं सिर्फ इनके लिए बनाती हूँ जो बेटी आई है वो भी नहीं खाती वो भी इनकी बहन है वो भी चखती नहीं मीठा के सारे बच्चे नहीं खाते आजकल लेकिन ये बात है कि अंकल तो खाते हैं ना फिर
फिर अंकल कहते थे नहीं नहीं मैंने तो बड़ी टाइटिंग की, ना हिले ना जुले ना कुछ पकाया ना कुछ है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो उधर भी वॉक करके आयो इंग्लैंड भी गया था, वो वॉक किधर गई, 4-5 किलो बढ़ गया। 17,000 स्टेप्स किए थे जहाज पे बैठने से पहले, 17,000 कैलोरीज खा के 17,000 स्टेप करने का क्या फायदा। मैंगो तो फिर बच्चा पार्टी के साथ, अगर स्पेन में किसी के पास अच्छे मैंगो है हमें प्लीज पार्सल कर दे, पीआर बॉक्स भेजो भेजो अंकल को, और मोटा करो अंकल ने और नहीं छोड़ने फिर। उधर बड़े अच्छे मैंगो मिल रहे हैं, इधर पता नहीं आप बार्सिलोना में होंगे कहीं, चेक करना पड़ेगा। हम जल्दी में गए थे, उधर भी जाना था तो इतना फिरे नहीं थे ना, एक दो शॉप थे उधर, तो ऐसे उन्होंने दुकानों के बाहर ना वो ऐसे बाहर शेड लगा के और आमों के बॉक्स जोड़े हुए, माल्टे के। इस दफा मजे की बात जामुन भी खाए, हाँ जेबी ने वो जो उस दिन हम लाए थे पाकिस्तान एक नीचे खा ले के आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 30 साल बाद जामुन खाए होंगे। मौसम होता है ना यार, ये मौसम होता है, और आप मेरे ख्याल हमेशा सर्दियों में गए पाकिस्तान, बड़ा मजा आया। सही उनको मैंने ना अपनी बेटी को कहा, मैं कहा इनको सही डब्बे में डाल के ना जरा नमक लगा के सही, फिर हमने उसको याद किया गाँव में, वो जो गाँव में आता था ना बेचने, वो बाबा सा पता है वो साइकिल पे आता था, बेचते तो है ना सारे, उससे बड़े लेके खाते थे, उसने डब्बा रखा होता था नमक। हमारे तो घर के होते थे, हमारे अब्बू सुबह आते थे ना, जब एक दफा जमीनों पे चक्कर लगाते हैं ना सुबह के टाइम, 5 बजे जाते थे सारा दे के आते, तो इतने बांध के लेके ताजे फ्रेश, हमें तो इतनी इन चीजों की वो नहीं थी, लेकिन इतने हमने घर की चीजें ये खाई, छोड़े खाने पीने की बातें, कोई फूड चैनल बना लिया आप लोगों ने, कुकिंग विद मम्मी जैसे चैनल का नाम हो तो दम्मी के चैनल पे यही कुछ आएगा ना खाने। मुझे बताएं कि आज का क्या प्लान है। अभी बाहर निकलते हैं, आज मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, आज मेरी बेटी भी आ रही है दूसरी, तो मैंने कहा, उसने कहा लोबिया चावल बनाओ, वो तो आराम से बन जाएंगे उसमें, इंग्लैंड से जब से है इनके मुस्तफा और जलाल ने इतनी को अंग्रेजी निकाल दी है ना। जलाल को मैं कहता था हु इज बांद्री, फीडर पीर है उधर से, फीडर निकाल कहता है नॉट मी कोई बाजी, दूसरी क्या कहता था बम्बी टू ही, और बाजी अभी कह रही इस दफा इतने तेज ताया जी कर गए ना, उनको पता क्या सिखा गए हर बात पे, बम्बी टू ही नहीं नहीं, वो कार्टून देखता था उसमें वो करता था, वो ऐसा डांस करता है ऐसे ऐसे निकाल के, हाँ तो बताया जी ने नाम बता दिया तो वो ही ना, तो बच्चे भी खुश रहे, और इस तरह ना आप जरा बड़े भी हुए हैं ना मुस्तफ़ा जलाल, तो वो इस दफ़ा तो जलाल ने सही ताया जी को टाइम दिया मुस्तफ़ा से भी ज्यादा, दोनों नहीं वही ना, पहले आयशा और मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा करते थे, आयशा तो माशाल्लाह बड़ी है लेकिन उसने भी छुट्टियाँ थी, आयशा को भी मैंने बड़ा तंग किया है, तंग करने में शेर है बच्चों को, बड़ों को उसने भी मुझे बहुत तंग किया कहती है, इसलिए मैं कहती हूँ आप मेरे बेस्ट ताया जी दूसरा ताया जी कौन से इतने लड़ाइयां रौले करते हैं, कोई भी नहीं करता, ना वो पाकिस्तान वाला कर सकता है। चलो भाई तैयार हो जाओ जाने, तो 6 बजने लगे हैं। और दूसरा ये है कि मेरे भाई की तबीयत खराब थी कल, उनका जो ऑपरेशन तो हो गया, अल्लाह का स्टंट डले, उन्हें 3 स्टंट डले हैं, आप सब उनके लिए भी दुआ करें, उनके लिए सब खसूसी दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें सेहत और जिंदगी दे और अपने बच्चों पे उनका साया सलामत रखे। A few moments later. अच्छा भाई तो आज हमारा कोई प्लान नहीं है इस तरह के, आज आसपास ही बस थोड़ी बहुत जगह, मतलब जगह ही नहीं, खैर कोई मॉल वगैरह ये वो आई डोंट नो जो भी आसपास है वो दिखाएंगे, तो कल हमारा प्लान है, हो सकता है कल हम बार्सिलोना जाएं और फिर बार्सिलोना चलेंगे, बार्सिलोना में जो जो जगह देखी वो आपको दिखाऊंगा, वो इंटरेस्टिंग होगा। तो आज इतना कोई खास प्लान नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी देर बाहर जाते हैं, मॉल्स वगैरह एक दो शॉपिंग मॉल पर जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है वो लेंगे, तो बस आसपास का ही प्लान है, आसपास ही घूमेंगे थोड़ा। अच्छा लो जी भाई मैं भी तैयार हो गया, अबू भी तैयार हो गए, अबू भी तैयार हो गए, वाह ये नई शर्ट जो उस दिन लेके आए थे शॉपिंग करके वो पहनी है, अम्मी अभी तक तैयार नहीं हुई, अच्छा होगी फाइनली अम्मी भी तैयार होगी। अब ऐसा करते हैं ना, आप लोगों का काम है तारागोना में, आप लोग दो गाड़ी में जाते हैं, जो पहली मार्केट जिधर इकट्ठे जाना उधर इकट्ठे चले जाते हैं, फिर आप लोग तारागोना चले जाना, अगर आपने जाना हुआ तारागोना आप भी चले जाना, जाने आपने फिर अबू तारागोना चले जाएंगे, अपना काम करेंगे, हम लोग इधर से बाकी चीज़ें देख के वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं पहले आ चुके हैं, क्या कर रहे हैं भाई गर्मी के हालात देखें, दोनों गाड़ियों के मैंने शीशे को दरवाजे खोल दिए ताकि कोई बैठने के काबिल हो जाए, ये ने अपनी गाड़ी की चाबी उसकी भी दे, शीशे नीचे कर ताकि
दरवाजे खोल के पेड़ों की तरह। ये भी फंक्शन होता है कि शीशे सारे नीचे हो जाते हैं। करो उसके भी इधर दो, उसको थोड़ी देर प्रेस करके रख, छोड़ना नहीं। मुझे भी पता हो जाता है, छोड़ क्यों रहा है, बस इतने बहुत हैं। मुझे भी पता हो जाता है, बस दरवाजा खोलने से ज्यादा जल्दी होती है। दरवाजे फिर खोले क्यों है, तो ज्यादा जल्दी होती है ना देसी। ये मैंने गाड़ी के सारे शीशे खोल दिए, गर्म गाड़ी ना मिले आपको। हाँ जरा अच्छा थोड़ी आवाज नहीं तो सुबह की सही। अच्छा गलत डायरेक्शन पे, गर्मियों में इस तरफ होनी चाहिए, सर्दियों में उस तरफ। सर्दियों में इस तरफ होती हैं, गर्मियों में धूप ज्यादा पड़ती है ना उस तरफ, इधर जरा साया आ जाता। समझते नहीं है। हाँ इनका दिमाग गोरू का नहीं सही, वही ना। मेरे से पूछा करो फिर मैं आपको सही बताऊँ। सही बात, कैसे करना है कैसे नहीं। लोगों के साथ आएंगे लोग, कुत्ते की निशानी देख के हमारे घर आ जाया करेंगे। ये हमने सोचा था निकाल दें पर पूरी टाइल लगी हुई है अंदर। वैसे हमारे घर में कुत्ता किधर है? ये नहीं है, मैं कुत्ता हूँ। रखना ही है ना, किसको रखा हुआ है घर में? वाह, वो जो आता है ना कोरियर वाला, वो पहले कहेगा कभी बंदा हुआ है, मैं कहती हूँ हाँ। नीचे सोया हुआ है। गजब बेइज्जती है। लो जी भाई, ये हम लोग एक नई मार्केट खुली है, उसमें आगे चीज़ें देखने के लिए। लेकिन ये अच्छा है, ये अच्छा था। मैं पाकिस्तान भी देखा था तो मैंने कहा लेके जाऊँगी, लेकिन फिर हमारे पास जगह नहीं थी। है भी मुनासिब है, मम्मी के तो पसंदीदा चीज़ें यहाँ पे हैं। इस मार्केट का नाम है एक्शन, यहाँ पे भी नया स्टॉक खुला है। वे इनके पास बेलना भी है, इससे कभी रोटी बनाई है? बनाई ना लो। इस मार्केट की स्पेशलिटी बताएं। मैडम लेकिन देखो एक 149। मैडम आप बताएं इस मार्केट की क्या स्पेशलिटी है? हर चीज़ उनके पास सस्ती प्राइस पर। सस्ती प्राइस कुछ पसंद है? अभी तो कुछ नहीं, चीज़ पसंद आई। मम्मी ये अच्छी चीज़ है वैसे, जब हम बाहर गैराज में बैठ या गार्डन में बैठते हैं ना उस वक्त मच्छर के मच्छर मारते। अच्छा हाँ, ये भी मिल्क शेक वाले तो नहीं है ना? नहीं मिल्क शेक वाले नॉर्मल प्लास्टिक है। अभी ये सारी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं इस मार्केट के अंदर क्या क्या है, और फिर उसके बाद बस देखने आए आज। कुछ चीज़ अम्मी को पसंद आ गई तो अम्मी ले लेंगी। एक्सप्लोरेशन कैसी चल रही है अच्छी मार्केट कैसी लगी? अभी तो घूम रहे हैं ना, फिर देख अभी तो घूम ही रहे हैं। मानो एक घंटा हो गया। ये मुझे के लिए ले लेती हूँ, तेरे लिए ले लेती हूँ। कप है ना जूस पानी वाला? हाँ ठीक है, जूस जूस पीने के लिए। हाँ फिर बच्चे के हाथ से ग्लास नहीं गिरता। अच्छा ले ले। वेरी फनी, इतनी फनी आप कब से हो गई? मुझी के बच्चों के लिए लिया करूँगी, ये देख पीटर धोने वाले। मुझे लोगों का नहीं पता है, पता है लोगों मुझे कौन हो सकता है जो मेरे साथ है। बात तो सही है। 2 hours later। अच्छा भाई लोग, हम लोग आ गए हैं वापस घर। अबू अम्मी जो हैं वो आगे चले गए थे तारागोना वाली साइड से, हमने कोई शॉपिंग करनी थी तो वो लोग अभी तक नहीं आए, बट हम वापस आ गए हैं। हमने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं, और मेरी सिस्टर साहिबा भी फ्रांस और पता नहीं यू कौन से ट्रिप पे गई हुई थी, वहाँ से घूम गना के वापस आ गई। कैसा रहा आपका ट्रिप भाई? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। क्या मुझे पता है, चॉकलेट इतनी पसंद है कि तुम रह नहीं सकते उसके बगैर। ये तो टट्टी है। चॉकलेट तो दूर दूर तक हम नहीं खाते भाई। जैसा आपको पता है हम पाकिस्तान से आए थे, तो पाकिस्तान का एक ऐड हो गया था, उसके बाद आप क्या ऐड हुए जी? ये इधर जो पी ने उसका तला ने उन पे, ये पे फ्रांस में, और ये पी ने उस फ्रांस से। आधा फ्रिज तो हमारा इसने ही बांट दिया कसम से, हर जगह जाती है। हां तो अच्छी बात है ना भाई। तो साल में मेरी 4 ट्रिप हो चुकी हैं। कहां पे गए? इंग्लैंड गए थे मैं और तू। पाकिस्तान गया, पाकिस्तान गया, अभी ये तीसरी है। तीसरा घर वापस आया? नहीं अंदौरा भी गए थे। कब? अंदौरा इसी साल में गए थे। अंदौरा इस साल तो अभी 2-3 और हैं, टेंशन ना लें। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लो भाई दोनों आ गए वापस। हाँ जी कैसा रहा टूर तारागोना का? ठीक ही रहा बस। मुंह क्यों बने में आप दोनों के, क्या हो गया?
ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਦੀ ਪੇਂਟ ਲੈ ਪੇਂਟ ਲੈ ਪੇਂਟ ਲੈ ਪੇਂਟ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੇਂਟ ਹੋਆ ਕਿਆ ਪੇਂਟ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ ਲੌਂਚ ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ੋਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਾਥਰੂਮ ਖਰਾਬ ਹੋਆ ਤਾ ਫੜ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਕੜ ਤੂੰ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਐਸੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮਖਾ ਐਸੇ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਨਕੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਤੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਬੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾਠੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਇਆ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਾਠੇ 7 ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਠੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਠੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਕਾ ਖਾਣੇ सच्ची में यार कोई आदत ही है बच्चों की तरह दोनों पेंट पराठों पे इन चीजों पे लड़ते हैं तो आप किधर कह रही हैं पेंट किधर करना दो घंटे ये दरवाजे के पीछे देखना कहाँ पे खराब हुआ है ये देखो ना ये सब आप लोगों के एक सरप्राइज है मैंने नहीं हाथ मिलाया माँ ने जफा पहले माँ का तो पहले होते ना माँ का क्यों पहले माँ ने माँ तो माँ मास्क में प्यार कर रही थी इतने दिन हो गए कितने 4 दिन सही रही हो क्यों किधर है मैं आया हूँ तो गाड़ी नहीं थी आपका वहाँ अब वो तो एयरपोर्ट उधर इंग्लैंड थी ना गुलाब बेचारा पोर उसके गाड़ी के ऊपर पानी गिरा तो बोतल बड़ी गिरी पानी में तो टूट गई उसके पति पर ये सूंघे जैसे पाकिस्तान में रेड गुलाब की स्मेल है सेम वो मैंने इसको फिर तो कुछ दिन से पानी में रखा हुआ मैं कहा चल घर लेके जाएगी तो ये वो उस गुलाब में पैवंद करता हूं सुबह नहीं नहीं क्या करता हूं पैवंद करता हूं ये वैसे बता ये दोनों लड़ते हुए हैं नॉर्मल है भाई अबू कहते हैं कि मैंने पराठे नहीं छोड़ने अम्मी ने कहा पेंट ले लो कहते हैं पेंट नहीं ले आया था लोबिया जितना वो लोबिया था इतना बड़ा फोन था लोबिया तो भूल गया लोबिया तो भूल गया नहीं तो नहीं बोलता अम्मा से नहीं बातें नहीं तो आप दोनों की लड़ाई फिर क्या हुआ खत्म होगी वो रोज ही होती है भाई सुबह दोपहर शाम गोली है अस्सलामुअलैकुम गोली है सुबह दोपहर शाम की लड़ाई करना फर्ज है उसको कर उसका जवाब देना मैं आपके साथ ही आई मैं मुक्का मारने लगी अम्मी को आप हेलो क्या इधर औरत के बड़े हकूक है एक काल पे ना फोन हाथ में है जिथे भी गल होना अम्मा मेरी नहीं काबू आंदी काबू आने दिल दिना दरवाजा छो क्यों जोड़ू बीवी आराम प्यार हजूरे वाला दरवाजा छोड़ दीजिए ऐसे 5 hours later अभी हम लोग आए हैं स्नूकर खेलने यहाँ पे तकरीबन रात के 12:00 बज चुके हैं तो स्नूकर की हमारी गेम चल रही है ये यहाँ पे गेमिंग जोन है वहाँ पे बॉलिंग वगैरह और बाकी गेमें और ये सब कुछ है लेकिन ये है हमारा बॉलिंग जोन यहाँ पे अलग अलग गेमें 2 hours later. लो भाई रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं एंड आई एम बैक होम एंड इट्स टाइम टू एंड दिस ब्लॉग अगेन आप सबके प्यार मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इतनी हैक्टिक रूटीन के साथ भी मैं फिर भी ब्लॉग्स मिस नहीं कर रहा एंड थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए तो बाकी हमेशा की तरह कल मिलूँगा मैं आप सबको और अपना बहुत सारा ख्याल रखें दो में याद रखें तब तक के लिए अस्ताला विस्ता अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर